ठीक है। नवाज भाई, ट्रेलर इज लुक वेरी प्रॉमिसिंग, लोग हर जगह तारीफ कर रहे हैं, खास करके आपके किरदार की, लैला का जो किरदार है। क्या ब्रीफ था आपको जब आप ऑन बोर्ड आए, और किस बिना पे यू सेड कि यस मुझे इसका हिस्सा बनना है? अहमद भाई का नरेशन हुआ था और मैं उस वक्त पे लंदन में दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था और मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा था और बहुत ठंड भी पड़ी हुई थी। मैं तो थोड़ा सा उन्होंने वहाँ पे सुनाया मुझे चलते चलते, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो थोड़ा एक्साइटमेंट बना। फिर मैं होटल पहुँचा, होटल में फिर मैंने आईपैड अपना लैपटॉप खोला, उस पर फिर हम लोग जूम पे हमारी बात हुई और वहाँ पे उन्होंने पूरा नरेशन दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला, एक्साइटमेंट वाले चीज़ बताए उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में। तो मेरा इरादा तो खैर तभी बन गया था, और फिर आने के बाद पूरा डिटेल नरेशन हुआ और फिर लुक तैयार हुआ उसका। और जब लुक तैयार हुआ तो लुक को देख के फिर उसमें आदतें डाली, उसका फेमिनाइन टच भी डाला उसमें, क्योंकि नाम भी वैसा था लैला, और एक मर्द का नाम है, एक बंदे का नाम है लैला, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसे हिला हुआ होगा उसका कुछ। तो उस तरीके से तैयार हुआ, इंटरेस्टिंग लगा वो मुझे। क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है? बहुत तारीफ हो रही है, खास करके आप जितने वक्त भी स्क्रीन पे आते हैं बड़ी शिद्दत से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेकंड ट्रेलर भी जो लॉन्च हुआ था, बहुत तारीफ हो रही है। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको इस किरदार के लिए मिला? एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, लेट्स सी, देखते हैं 29 को मालूम होगा कि वो एक्साइटमेंट कितना है लोगों के अंदर। और सेकंड ट्रेलर वाकई लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह से एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए नॉर्मल। हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि भाई एक मोटिवेशन मिलता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपके काम को, आने वाले वक्त में आप और मेहनत करते हैं। गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसे जैसे किरदार करना करना, और उसके बाद एक कमर्शियल, हालांकि दोनों कमर्शियली बहुत कामयाब फिल्में रहीं, हाउ डू यू मैनेज दिस कि हाँ ये इस तरह से मैनेज होगा? अकेले तो आप नहीं कर रहे होते मैनेज, क्योंकि आपके साथ डायरेक्टर भी होते हैं, आपके डायलॉग राइटर भी होते हैं, और बहुत बड़ी टीम होती है, तो उनकी संगत में जो है मैनेज हो ही जाता है आपका एक्टिंग। लैला के लिए क्या खास चैलेंज रहा आपके लिए? उसका मैनरिज्म क्या, आपके अपने इनपुट्स क्या रहे सर? इनपुट क्या, बस ये बता तो पहले ही दिया था, बट ये था कि थोड़ा ज़्यादा ना हो, है ना, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर में थोड़ा सा फैलने की चांसेस रहते हैं। बट मेरा तरीका यही है कि ठीक है, वो जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं, जितना भी आप ज़्यादा सोच सकते हैं सोचिए, ठीक है, बट जब आप एक्ट कर रहे हो तो उसको कंट्रोल, जितना जितना कंट्रोल हो सकता है वो अपने अपने हाव भाव भंगिमा पे, जश्न पोशर पे, उतना अच्छा होता है, तो वो फिर बैलेंस हो जाती है चीज़ें। इट ऑल्सो रिमाइंड अस, बहुत से लोगों को वो कहीं सदाशिवम रापुरकर साहब का महान का किरदार भी याद दिलाता है। हाउ डू यू सी दिस एज ए कॉम्प्लीमेंट और एज ए नहीं, अभी तो देखो ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ है, आप फिल्म देख लीजिए, उसके बाद अगर लगेगा आपको फिर बैठ के बात कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप किस अपने इनपुट्स के अलावा इस तरह का किरदार किस रेफरेंस को याद करना चाहेंगे? रेफरेंस क्या, मेरे दिमाग में बहुत पहले से था एक्चुअली ये कि मैं कोई ऐसा विलन का रोल करूं जिसमें थोड़ा फेमिनिन टच हो, और आफ्टर लॉन्ग टाइम वो मेरी विश पूरी हुई। कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का टाइगर के साथ? टाइगर ऑलवेज सेज कि यार नवाज सर के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनका ये किरदार लैला का बाकी जितना भी काम उन्होंने किया बिल्कुल उससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत अलग। हाँ, टाइगर के साथ काम करने का मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारी ये सेकंड फिल्म है और बहुत ही एक अच्छी अच्छी स्मूथ बॉन्डिंग है हम लोगों की जब भी हम काम करते साथ में। तो आई होप कि फिल्म के दौरान आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह की केमिस्ट्री है हम लोगों के बीच है। ईद एक खास डेट रही है, और सलमान भाई की ज़्यादा करके ईद पे फिल्में आती रही हैं, और अब मुझे ऐसा लगने लगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा ईद की किसी ना किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो खैर इत्तेफाक होता है कि ये फिल्म ईद पर रिलीज़ है, मुझे आइडिया नहीं था पहले बिल्कुल भी कि ये फिल्म ईद पर रिलीज़ होगी, बट इट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लोग बहुत लोग देखेंगे इस फिल्म को ईद पे। आई होप के लोगों को पसंद आए फिल्म। और सेम डेट पे दूसरी फिल्म भी रिलीज हो रही है रनवे, और उसको लेके कुछ कुछ कहना चाहेंगे? सेम डेट पे रिलीज है, क्या कहना चाहेंगे रिलीज को लेके? सेम डेट पे बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, मतलब दो दो फिल्में तो मतलब पहले से काफ़ी चलन आ रहा है। आई थिंक
देखें, दोनों फिल्मों को देखें लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई हमारी फिल्म को जो अच्छी लगे वो देखें लोग। कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ यूरोपन 22, स्पेशली लैला के लिए? इंटरेस्टिंग है दोनों फिल्में, बहुत मतलब फिल्में इंटरेस्टिंग फिल्म है, और लैला का पार्ट अगर देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत मैजिक, बच्चों को स्पेशली बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि टाइगर की तो ऑडियंस है ही बच्चों में, लेकिन वो बच्चे अगर मैजिक वैजिक देखना चाहते हैं तो मैं हूँ फिर।